एडाई का जब से मास्टर सर्कुलर आया है, धीरे धीरे करके इसमें समाहित तमाम परतें खुलती जा रही हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब कागजों की कमी दिखाकर किसी क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती, ये भी इस मास्टर सर्कुलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने मास्टर सर्कुलर पे बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा की, आज थोड़ा सा उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप और हम जब कभी भी खास तौर से जनरल बीमा को क्लेम करने जाते हैं तो अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि छोटी छोटी क्लॉजेज लगाकर, कागजों का हवाला देकर बीमा को रिजेक्ट कर दिया जाता है या उसे टाल दिया जाता है। लेकिन अब कंज्यूमर्स के क्लेम के दावे का जल्द निपटारा हो सकेगा, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एडाई की इस पहल से जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में कितना बदलाव आएगा, क्लेम सेटलमेंट में कितनी तेजी आएगी, विस्तार से चर्चा करूंगा खास मेहमानों के साथ। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि जनरल इंश्योरेंस के तहत जब आप अपनी गाड़ी, किसी सामान, हेल्थ या घर का बीमा कराते हैं तो एजेंट महज आधे घंटे में बीमा प्रोसेस को पूरा कर देता है। लेकिन जब वही ग्राहक बीमा क्लेम के लिए आवेदन करता है तो उसका प्रोसेस बीच में ही अटक जाता है। बीमा कंपनियां कई बार कागजों की कमी दिखाकर क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक बीमा कंपनियां अगर क्लेम के आवेदन में कागजों को लेकर कोई खामी पाती है तो वो क्लेम को सीधे तौर पर रिजेक्ट नहीं कर सकती। साथ ही IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए GIC के टेक्नोलॉजी बेस्ड निवारण पर जोर दिया है और कहा है कि 24 घंटे के अंदर बीमा कंपनियां क्लेम को लेकर सर्वेयर नियुक्त करें और 15 दिन में सर्वेयर अपनी रिपोर्ट कंपनी को सौंपे। वहीं IRDAI ने बीमा कंपनी को रिपोर्ट सौंपे जाने के 7 दिन के अंदर क्लेम के निपटारे पर जोर दिया है। जाहिर है इससे क्लेम के निपटारे में तेजी आएगी। क्लेम सेटलमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए IRDAI ने ये भी साफ किया है कि बीमा कंपनियां क्लेम के दौरान केवल जरूरी दस्तावेजों की मांग करें। इससे ग्राहकों को केवल उन दस्तावेजों को जमा करना होगा जो क्लेम के निपटान के लिए जरूरी होगा। इसमें क्लेम फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, FIR, अनट्रेस्ड रिपोर्ट, फायर ब्रिगेड रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रिपेयर बिल जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। IRDAI की इस पहल से बीमा कंपनियों और ग्राहक दोनों को कागजी प्रोसेस में आसानी होगी। एक आंकड़े के मुताबिक कारोबारी साल 2024 में मोटर क्लेम के रिजेक्ट होने की जो बड़ी वजह रही, उनमें 25% मामले ओल्ड डैमेज के रहे, जबकि पॉलिसी लेते समय गलत जानकारी देने के चलते 40% क्लेम, क्लेम के दौरान झूठी जानकारी देने के चलते 20%, बगैर बीमा कंपनी को बताए वाहन रिपेयर कराने के चलते 10% और अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस के चलते 5% लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। वही हेल्थ सेगमेंट की बात करें तो क्लेम संबंधी कागज नहीं जमा कर पाने और पॉलिसी के नियम कायदे के खिलाफ क्लेम करने के चलते 35% लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। वही पहले से चली आ रही बीमारी की जानकारी पॉलिसी लेते समय नहीं साझा करने के चलते 15% और फर्जी क्लेम लेने के चलते 15% लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। IRDAI ने ये भी साफ किया है कि रिटेल कस्टमर बीमाकर्ता को सूचित करके किसी भी समय अपनी पॉलिसी रद्द करा सकता है। वही बीमाकर्ता को पॉलिसी रद्द करने का तभी अधिकार होगा जब उसे कंज्यूमर की ओर से फ्रॉड और झूठी जानकारी दी गई हो। वही पॉलिसी रद्द होने की स्थिति में पॉलिसी जितने दिन की बची रहेगी उतने दिन का प्रीमियम बीमा कंपनी को वापस देना होगा। जाहिर है IRDAI के सर्कुलर को जनरल इंश्योरेंस में सुधारों और सरलीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं नीलेश साठे जी का, पूर्व मेंबर है एडाई के। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है दीपक योहानन, CEO है myinsuranceclub.com के। बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष आपका भी। साठे सर, चर्चा की शुरुआत आपसे, और इनफैक्ट बीच बीच में आपसे इस मसले पर बातचीत होती रहती है, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम ये कागज
नहीं दिखाएंगे तो क्लेम कैसे पाएंगे पर चर्चा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ सर दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इसमें देखिए कुछ वाजिब दिक्कतें इंश्योरेंस कंपनीज की भी होती हैं जो उनकी अपने वाजिब वजह हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा दिक्कतें करते हैं, और कई बार अननेसेसरी डिले भी हो जाता है। आप बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बता पाएंगे कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है सर बुनियादी रूप से? नहीं, कागज की प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार ऐसे होता है कि कागज जरूरी होता है मगर वो मिलता नहीं है। जैसे हॉस्पिटल से अगर कुछ कागज चाहिए तो ना तो वो जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है पॉलिसी होल्डर उसको देता है और इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं देता। तो आज ये नहीं है कल वो नहीं है, करते करते वो रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे होता है कि कागज जरूरी होते हैं मगर उपलब्ध नहीं होते। तो पहले तो ये होता था कि पॉलिसी होल्डर जो है उसको भटकना पड़ता था कागज जो इंश्योरेंस कंपनी मांगेगी वो देने के लिए। अब नया जो मास्टर सर्कुलर इशू किया है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, उसमें उन्होंने कहा है कि ये कागज इकट्ठा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी की है। कहने का मतलब ये है कि अब पॉलिसी होल्डर को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा ये सारे रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए। जहां तक जनरल इंश्योरेंस का सवाल है, जो कि लेटेस्ट एक सर्कुलर जारी हुआ है 11 जून को, उसमें उन्होंने काफी बदलाव लाए हैं। मेन बदलाव जो है वो सर्वेयर के बारे में है। जैसे 50,000 के नीचे जो मोटर के क्लेम होंगे या 1,00,000 के नीचे जो अदर देन मोटर होंगे उसके लिए सर्वेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि पहले सर्वेयर जब अपॉइंट होता है ना तो पहले ये बहुत दिक्कत होती थी कि सर्वेयर अपॉइंट होने में महीना दो महीने निकल जाते थे। तो अब IRDA ने यह भी बात साफ की है कि सर्वेयर को तुरंत अपॉइंट करना पड़ेगा और सर्वेयर को भी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। ये कुछ प्रावधान जो है ये काफी सख्त है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि जैसे फायर होती है तो 15 दिन में सर्वेयर को सारे पेपर्स इकट्ठा करके पुलिस रिपोर्ट उस समय का जो न्यूज़पेपर में कुछ आया होगा उसके बारे में जानकारी लेके 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट करना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। बट बाय एंड लार्ज जो छोटे मोटे 5-10 लाख तक के क्लेम होते हैं जो 90-95% वही होते हैं उनके लिए ये काफी सुविधा होगी। और ये टाइमलाइन जो डिसाइड की है उसके कारण ये बहुत आसान होगा समझने के लिए कि भाई क्लेम आया तो मोटर का क्लेम अगर 50,000 से ऊपर का है सर्वेयर अपॉइंट होगा और 3 हफ्ते के अंदर क्लेम सेटल होगा, और समझो अदर देन मोटर है तो 3 हफ्ते के अंदर ही सेटल होगा मगर सर्वेयर अपॉइंट जो होगा अगर 1,00,000 के ऊपर ये जो क्लेम है तभी सर्वेयर अपॉइंट होगा। तो ये काफी अच्छे बदलाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि वो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म तैयार करे, उसके लिए 31 अक्टूबर तक की सीमा मर्यादा दी हुई है और जिसमें सर्वेयर रैंडमली अपॉइंट किए जा सकते हैं, ताकि अभी ये ना हो कि भाई किसी को फेवर किया या जानबूझ के ये जो सर्वेयर है ये बड़ा लिबरल है या बड़ा स्ट्रिक्ट है तो इसी को दिया, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सर्वेयर को अपॉइंट करते वक्त डिजिटली रैंडम सर थोड़ा सा ये आपने इम्पोर्टेंट कहा सर, थोड़ा सा इसको भी समझाइए। जो फ्लेक्सिबल पॉलिसी ऑप्शंस की बात कही जा रही है तो क्या हम इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेस देन अ ईयर एनुअली लंबे समय के लिए क्या टेलर्ड ऑप्शंस होंगे या पहले भी थे या अब हुए हैं ये? नहीं, ये थे मगर अब ये क्या होता है कि मास्टर सर्कुलर में जब आया है ना तो इट बिकम्स अ रेडी रेफरर, तो तुरंत कोई भी रेफर कर सकता है कि इसमें क्या है भाई। तो जैसे मोटर में पे एज यू ड्राइव, पे एज यू गो और पे एज यू यूज, ऐसे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर समझो मेरी गाड़ी कम चलती है साल में तो मैं क्यों जिसकी गाड़ी ज्यादा चलती है उसके इतना प्रीमियम दूं? तो मैं ये कहूंगा कि भाई मेरी गाड़ी जो है वो 5,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेगी तो कंपनी उस हिसाब से मेरा प्रीमियम चार्ज करेगी। पे एज यू ड्राइव का मतलब यह है कि मैंने पिछले 3 गाड़ियां यूज की है, मैंने एक बार भी क्लेम नहीं किया है, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो क्यों मैं जो 20-22 साल का बच्चा है जिसने पहली बार गाड़ी को हाथ लगाया है उसके चांसेस ज्यादा है गाड़ी ठोकने के, तो उसके जितना प्रीमियम मैं क्यों भरूं? तो ये जो अलग अलग इसमें फीचर्स हैं ये अब फीचर्स उपलब्ध होंगे तो ये बहुत अच्छे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज इस पे अमल भी कर रही है। कई इंश्योरेंस कंपनीज ने इस तरीके की पॉलिसीज भी निकाली है। बिल्कुल, अब देखिए अगर वाकई में इसको हेल्दी वे में लेकर अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया जाए, मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इससे बड़ा
मोमेंट कोई नहीं होगा कि आगे ये कंज्यूमर के लिए भी और इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत अच्छा मौका है ये, इसको अच्छे से बस इंप्लीमेंट कर दें, जो हुआ सो हुआ, आगे चल के सीख मिली और एक गाइडेंस अब आ गई है इड़ाई की, इन गाइडेंस का सही से अगर पालन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दीपक जी, एक आपसे मैं आपका अनुभव वही पूछना चाहूँगा क्योंकि कागज़ पे हम ज़्यादा आज फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे दर्शकों का हमें ये मेल भी आ रहे थे, SMS भी आ रहे थे, WhatsApp भी आ रहे थे कि साहब बात बात पे कागज़ बोल के अटका देते हैं, तो ये अब इड़ाई का ये जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट इसे हम कह सकते हैं, इसमें किस तरह की बात इसमें कही गई है और क्या क्या क्लैरिटी आएगी अब? तो मेरे हिसाब से इड़ा ने इंश्योरेंस कंपनी को कागज मांगने से नहीं रोका है, वो कागज मांग सकते हैं बट सही कागज सही टाइम पे मांगने के लिए कहा गया है। अच्छा, तो अगर आप पॉलिसी आज बेच रहे हो तो जितने अंडरराइटिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको आज चाहिए वो आज आप मांगिए और उसके बाद ही आप पॉलिसी इश्यू करिए। जब क्लेम का वक्त आया है तो सिर्फ क्लेम रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे, तब जाके जो आपको अंडरराइटिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पहले जो आपको देखने चाहिए थे तब आप मत मांगिए, ये कहा गया है। बट क्लेम के रिलेटेड आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप क्लेम के टाइम मांग सकते हैं। अब जब आप कोई कंज्यूमर है उसको बिना सोचे समझे आप पॉलिसी भेज देते हो, उसके बाद जब क्लेम आते हो तब जाके आप पुराना कहानी पूरा पूछते हो और तब रिजेक्ट करते हो, इस बात पे बंदी लगाई गई। आपने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताया, मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए एक एग्जांपल भी दे दें ताकि उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि आपको अगर एड्रेस प्रूफ पॉलिसी बेचते वक्त लेना चाहिए था अब तब लीजिए, जब एक्सीडेंट हो गया है तब पॉलिसी होल्डर का एड्रेस से कोई लेना देना है नहीं, तो तब आप मेरिट्स ऑफ द क्लेम पर आप करिए और क्लेम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप, ना कि उसको आपके ने एड्रेस बदला है वो अपडेट नहीं किया है उस पे आप क्लेम रिजेक्ट करते हो टेक्निकल ग्राउंड्स। क्लेम के मेरिट्स पे नहीं आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप टेक्निकल ग्राउंड्स की वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको पहले लेने चाहिए थे वो नहीं लिया, अभी आप मांग रहे हो और अभी मैं इसके बेसिस पे रिजेक्ट कर, ये किया गया विच इज सही बात है कि आप अभी क्लेम आया तो आप क्लेम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगिए ना कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले मंगाने चाहिए। ये देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना कि आप जितने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अंडरराइटिंग प्रोसेस के दौरान आपको चाहिए आप उतना ले लीजिए, लेकिन अब जब ज़रूरत है क्लेम सेटलमेंट के वक्त सिर्फ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड ही मांगिए आप। ये कितनी बड़ी बात है क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इंश्योरेंस कंपनीज और एजेंट्स को भी देना चाहूँगा क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम होता है, उनको लगता है कि साहब सारे डॉक्यूमेंट जब तक हमने चेक नहीं किए तो आगे जाके फंस जाएगा। कई बार शायद ये एक उहापोह की स्थिति रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है तो अब इस पर क्लैरिटी ज़रूर आ गई है। आशुतोष, मुझे लगता है कि इस तरह की पहल और होनी चाहिए, जितने भी रेगुलेटर्स हैं इस तरह का, जैसे इन्होंने बहुत सारे अलग अलग नियम कायदे कानून थे मास्टर सर्कुलर में सबको समाहित करके इन्होंने एक कर दिया और अब आपको आईने की तरह क्रिस्टल क्लियर है, सब साफ है, अब आपको कोई भी बात करनी है आप ये मास्टर डॉक्यूमेंट मास्टर सर्कुलर उठाइए और इसमें से। आपको नहीं लगता है कि ये बाकी सब सेक्टर्स में भी लागू होना चाहिए, आपके रियल एस्टेट से लेकर आपके बैंकिंग से लेकर आपके बाकी जगह जहां जहां इस तरह के नियम तो हैं बहुत सारे हैं लेकिन वो इतने बिखरे हुए हैं इतने छिपे हुए हैं कि लोगों को समझ भी नहीं आता, वहां तक पहुंचते पहुंचते तो देर हो जाती है। नहीं देखिए, बहुत सारे अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें ऑब्वियसली जो रेगुलेटर्स हैं वो बनाए गए भी हैं और देखा जाए तो पहले IRDA भी तो नहीं होता था, ये 99 में जो है इसको लाया गया और टाइम टू टाइम इसमें अमेंड भी किया गया। और जहां तक देखिए अगर मैं इंश्योरेंस क्लेम्स की अगर बात करूं तो इसमें देखिए जो रेगुलेशन लाया गया जैसे 64 UM जो सेक्शन है ऑलरेडी इंश्योरेंस एक्ट 1938 में, वो कहता है कि विद इन 72 आवर्स जो है सर्वेयर को अपॉइंट करना है किसी भी क्लेम के आने के बाद, बट ये होता नहीं था, काफी टाइम लगता था सर्वेयर को अपॉइंट होने में। अब देखिए कि इस तरीके के मामले जहाँ पे जेन्युइन क्लेम्स जो हैं वो जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है और जो है कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं। अभी देखिए रिसेंटली जो है नेशनल कंज्यूमर जो है उसने भी ये बात कहा कि भाई जब आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं आप कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस किसी का,
आपने उसका जो है पूरा हेल्थ चेकअप करवा लिया, सारा उसका डॉक्टर का रिपोर्ट मंगवा लिया, फिर आपने जो है जाकर के उसको पॉलिसी इश्यू करके दिया। अब जब क्लेम आता है तब आप कहते हैं कि नहीं आपने तो ये चीज डिस्क्लोज नहीं किया, आपको ये डिजीज था वो डिस्क्लोज नहीं किया। तो ऐसे इस तरीके के मामले में फिर वो उसका जो है टेस्ट कराने की फिर जरूरत क्या थी। तो ऐसे मामलों में बहुत सारे डायरेक्टिव्स जो है जैसे नेशनल कंज्यूमर ने दिया, या फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिस कारण से जो आपने रीजन दिया है क्लेम रिपुडिएट करने का, उस समय आपने जो लेटर जो दिया पॉलिसी होल्डर को, अब आप जब कोर्ट में जा रहे हैं तो आप नया रीजन लेकर के आ रहे हैं, तो ये एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका इंटेंट जो है वो सही नहीं है, वो आपका इंटेंट जो है जेन्युइन क्लेम को सेटल करने का नहीं है, ये इंटेंट नहीं होना चाहिए। देखिए दोनों तरफ है, पॉलिसी होल्डर भी जो है उसका क्लेम बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, गलत क्लेम्स भी आते हैं ये भी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी एक हर जेन्युइन पर्सन जो क्लेम करता है उसको उसी कैटेगरी में ट्रीट किया जाए। तो और इसके अलावा भी देखिए हमारे पास कितने सारे, मुझे लगता है जो लाए मुझे लगता है ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी को फर्जी क्लेम करना है ना तो वो अपने कागज पक्के रखेगा, वो उसके कागज बिल्कुल चकाचक होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे कागज वो बना के रखेगा। देखिए हंसते बेचारे वो हैं। नहीं, इसमें एक बात और हाँ। है कि जी इसमें देखिए एक और है कि जो सर्वेयर जो अपॉइंट होते हैं, जो मुझे लगता है कि जो उनका रिपोर्ट है उसी के बेस पर इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम्स को सेटल करती है या नहीं करती है, तो ये भी देखना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को भी कि वो जब सर्वेयर को अपॉइंट करती है तो सर्वेयर जो है दोनों साइड को लेकर के चले और एक रिपोर्ट वो उस तरीके से बनाए जो जो कि जो है दोनों के हित में हो। ऐसा नहीं, देखिए बहुत सारे क्लेम आते हैं अभी जैसे गाड़ियां हैं, एक्सीडेंट हो गया, आजकल सब महंगी गाड़ियां होती हैं, अब मान लीजिए छोटा एक्सीडेंट हो गया 2-3 लाख का क्लेम आ गया, अब वो सर्वेयर जो है रिपोर्ट बना के देगा कि नहीं इसमें तो जो है 25,000 ही मिलेगा क्लेम, 50,000 ही क्लेम मिलेगा, ये तो इसमें कट हो गया, ये तो उसमें कट हो गया, ये हो गया, तो फिर पॉलिसी होल्डर जो है वो एक तरह से ठगा हुआ महसूस करता है, उसको लगता है कि भाई ये फिर मैंने पॉलिसी लेने की जरूरत क्या थी। और जैसे कैशलेस फैसिलिटीज हैं तो आपका टाइप जो है प्रॉपरली जो जो डीलर्स हैं या जो रिपेयर करने वाले जो गराजेज हैं उसके साथ प्रॉपर होना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम तो जो पॉलिसी होल्डर का वही सॉल्व हो जाएगा। देखिए मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन वो लेगा टाइमली क्लेम सेटलमेंट में, ये जो देखिए सर्वे की जहां तक बात है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वे अपनी रिपोर्ट को 15 दिन के एक तो अंदर सबमिट करेंगे एलोकेशन के, ताकि वो क्लेम्स का जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, और उसके बाद इंश्योरेंस जो हैं वो क्लेम्स को फिर 7 दिन के अंदर सेटल करेंगे सर्वे रिपोर्ट आने के बाद। तो मुझे लगता है कि ये जो एक क्लैरिटी दी है ना, हो सकता है कि अलग अलग सर्कुलर्स में हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि ये इसलिए मास्टर स्ट्रोक है कि सोचिए आप 55, 56, 57 जितने सर्कुलर रहे होंगे, आई डोंट नो कहाँ कहाँ अलग अलग टाइम पे थे, इन्होंने पूरा का पूरा कंपाइल करके एक मास्टर सर्कुलर बना दिया। अब आपके सामने एक विंडो है, एक सॉल्यूशन है, और उसमें क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ है, उसमें टाइमलाइंस दी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इंश्योरेंस सेटलमेंट में या फिर कंज्यूमर के साथ या जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराया है उसके साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी हो, बट हाँ इसमें अभी भी कुछ दिक्कतें होंगी। वो दिक्कतें क्या हो सकती हैं जहाँ पर हमें गौर करना चाहिए, मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। तो कागज में अब नहीं अटकेगा क्लेम, और ये इडाई का जो लेटेस्ट सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर तो पहले आ गया था और अभी रिसेंटली एक बार फिर इसे इडाई ने क्लियर भी किया है, और ये एक आम उपभोक्ता के हित में उठाया गया कदम है, इसमें कोई शक नहीं। साठे सर, कागज को लेकर कुछ और बातें जो आप चाहेंगे कि उसमें और क्लैरिटी आए? एक 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके के मास्टर सर्कुलर बाकी रेगुलेटर्स भी इशू करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ IRDA ने किया है। अच्छा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर सर्कुलर रेगुलरली इशू करते रहता है। दूसरी बात यह है कि इंश्योरेंस जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है। कहने का मतलब यह है कि जो इंश्योर्ड है उसने जो सच बातें हैं वो सारी बतानी है, और फिर उसने जो कुछ कहा है उस बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड होता है। अब अगर कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है तो इंश्योरेंस कंपनी को पूरा हक है कि अगर ये फ्रॉड के लिए डिस्क्लोज नहीं किया है तो वो क्लेम रिजेक्ट करे। मगर हेल्थ में आपने देखा होगा, हमारी चर्चा भी हुई है उसके बारे में, कि 3 साल के बाद अगर ये पता चला कि कुछ नॉन डिस्क्लोजर है तो
उस कारण से क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। पहले 4 साल था, अब 3 साल कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि इंश्योरेंस एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बेसिक डिफरेंस ये है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तीसरी बात यह है कि ये सेक्शन 64 UM जो बताया था आशुतोष जी ने, उसमें 72 घंटे का समय दिया गया था, वो अभी कम कर दिया है, वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मुझे एक बात हर बार लगती है कि अगर ये टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब की है मास्टर सर्कुलर में, तो ये टाइमलाइंस अगर किसी भी कारण से एक्सीड होती है तो क्या होगा? क्या पॉलिसी होल्डर को हक रहेगा कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जाए और कहे कि ये टाइमलाइंस मेंटेन नहीं हुई, इसके कारण मुझे जो मानसिक रूप से पीड़ा हुई है उसका कॉम्पेंसेशन दीजिए? क्या ये हो सकता है? क्योंकि टाइमलाइंस बाकी रेगुलेटर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते। RBI ने भी कभी ये नहीं कहा है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है वो 15 मिनट में ओपन होना चाहिए या लोन जो है वो 24 घंटे में मिलना चाहिए, ये प्रिस्क्राइब नहीं किया है। IRDA को ये जरूर देखना होगा फिर से एक बार कि ये टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब करना क्या गलत साबित हो सकता है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोल दी और मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा इसके लिए। आशुतोष जी, वेरी वैलिड पॉइंट कि टाइमलाइंस तो आपने दे दी, लेकिन अगर इन टाइमलाइंस का अगर अनुपालन नहीं हो रहा है तो क्या कंज्यूमर के पास अधिकार होगा कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जाए? जी जी, देखिए, कहीं पे भी अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है तो बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट को राइट है। और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस जो है, जब ऑलरेडी लॉ डिफाइंड है और लॉ के हिसाब से अगर सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं कंज्यूमर को, तो बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट को बिल्कुल पावर है अपने हिसाब से, वो जो है कॉम्पनसेशन दे सकता है कि कितने का क्या क्वांटम में लॉस हुआ होगा, फाइनेंशियली उसको कैसे कॉम्पनसेट किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं पहले जो है, मेरे मित्र ने जो बताया 64 UM, तो मैंने वही मेरा कहना था कि 72 आवर्स का तो क्लाउज पहले भी था, अब उसको मान लीजिए 24 घंटा कर दिया गया, तो तभी भी ये फॉलो नहीं हो रहा था एक तरीके से। और इसको बहुत बार पॉइंट आउट किया गया है नेशनल कंज्यूमर द्वारा, और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी इन इश्यूज को उठाया गया है पहले, जहां जहां क्लेम्स जो है रिजेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मुझे लगता है कि चाहे वो सेबी हो, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, या RBI हो, वो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे वो बैंक को देखता है या वो सिक्योरिटीज को देखता है सेबी, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो अपना काम उनको करना मुझे लगता है बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है, समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, कि वो टाइम टू टाइम मास्टर पॉलिसीज बनाए, ताकि जो है कम से कम केसेस जो है वो कोर्ट तक जाएं और लोगों को इतनी परेशानियां ना उठानी पड़े। और अगर जाएं, अगर जाएं तो कोर्ट के पास भी जजमेंट के लिए कोई आधार हो। अब अगर टाइमलाइन दी गई है तो आई एम श्योर, मैं तो लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, आशुतोष जी अच्छे से बता ही रहे हैं कि भाई एक कंज्यूमर के पास अधिकार होगा जब डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस होगा, तो कम से कम कोर्ट के पास भी एक आधार होगा कि साहब देखिए सर्कुलर में ये बात तो थी, तो इसको आप अगर इसका अनुपालन नहीं हुआ है तो ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के तहत आ सकता है। तो ये क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी था, जो मुझे लगता है मिली। दीपक जी, कोई बातें ऐसी जो अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर में इस मास्टर सर्कुलर में जो समाहित ना हो या उनमें क्लैरिटी ना हो और आप चाहें कि उसमें क्लैरिटी मिल पाए? नहीं, मैं एक छोटा सुझाव ही दूंगा नॉर्मल रिटेल कस्टमर को कि अपने सारे डिटेल्स डिक्लेयर करें, कुछ छुपा के ना रखें, एप्लीकेशन फॉर्म खुद भरें, अगर खुद नहीं समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डेड लाइन में किसी इंटरमीडिएट के थ्रू भरें, रिकॉर्डेड लाइन या फिर इवन वीडियो रिकॉर्डेड लाइंस पे आजकल काफी लोग करते हैं, उस पे करें। और 99% डिटेल कस्टमर्स कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते, आप प्रॉपर चैनल है जिसपे कंप्लेंट्स कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के हैं, ओम्बड्समैन तक जा सकते हैं, IRDA के पास जा सकते हैं, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, पॉलिसी आप ले लेते हो तो ईमेल IDs सारे डिपार्टमेंट हेड CEO के पता करें और वहां एस्केलेट करें। अगर आपको कोर्ट जाना पड़े, वो रिटेल कस्टमर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट फाइट होता है।
तो यही मेरा सुझाव रहेगा रिटेल कस्टमर। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा सुझाव दिया कि अपनी तरफ से, और जैसा साठे साहब ने भी कहा कि ये देखिए सच तो अपनी तरफ से आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम तो होगी ही। हाँ, आपने सच बोला है और उसके बावजूद अगर आपको क्लेम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए ईडाई बैठा है, सारे के सारे रेगुलेटर्स बैठे हैं, पूरा एक प्रोसेस है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि क्लेम सेटलमेंट का मसला अपनी परिणति तक बहुत ही आसानी से आ सकता है यदि क्लैरिटी हर तरफ हो। ये मास्टर सर्कुलर एक क्लैरिटी का एक बहुत बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। उम्मीद करते हैं इसे हर स्टेक होल्डर अपनी तरफ से पूरा इंप्लीमेंट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए नीलेश राठे सर, दीपक योहानंद सर, आशुतोष श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच आप तीनों का। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।